नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ख़ास चीज़ के बारे में बताऊंगी जिसे हम लोग अपने गार्डन में एज अ फर्टिलाइज़र भी यूज़ करते हैं और एज अ मेडिसिन भी यूज़ करते हैं। ये वुड ऐश है जिसे राख भी कहते हैं। हम लोग इसे छान के यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। इसमें अगर हम बात करें कि कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें, तो इसमें मैग्नीशियम, पोटाशियम, आयरन, कॉपर, कैल्शियम का ये बहुत अच्छा सोर्स है। प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र्स में वुड ऐश आता है। आप अपने वेजीज वाले गार्डन में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत बढ़िया आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। महीने में आप एक बार इसे यूज़ करें अपने गार्डन में, एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करें। साथ में मैंने आपको जैसे बताया था कि वुड ऐश जो है एक मेडिसिन के तौर पे भी हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। वुड ऐश एक नेचुरल फंगीसाइड और पेस्टिसाइड है। इसे आपको अपने प्लांट की लीव्स के ऊपर स्प्रेड करना होता है, जिससे ये प्लांट को एक प्रोटेक्टिव कवरेज देता है। ये प्लांट में फंगल और जो पेस्ट के अटैक होते हैं उनके चांसेस कम हो जाते हैं और आपका प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। साथ में इसकी फ्लावरिंग को भी ये एनहांस करता है। पुराने टाइम में लोग गार्डनिंग में वुड ऐश का ही इस्तेमाल करते थे, एज अ फर्टिलाइज़र भी और एज अ पेस्टिसाइड और फंगीसाइड भी, बिकॉज उस टाइम इतना अवेलेबिलिटी नहीं होती थी फर्टिलाइज़र्स की, जो सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स अभी मार्केट में मिलते हैं। जब आप वुड ऐश का इस्तेमाल करते हैं, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको उसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं डालनी है प्लांट में, अदरवाइज़ क्या होता है आपका प्लांट भी जल सकता है। तो आपको थोड़े थोड़े अमाउंट में इसे डालना होता है और हर 30 दिन के बाद आप इसको रिपीट कर सकते हैं अपने गार्डन में।